शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तक हमें हर कदम पे साथ दिया है, और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया, आपका हमेशा सहयोग मिला। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए, शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उनके उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है,
कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है सर, दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हमारी, दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आपने दो तीन जगह तो कर दिया सर आपके इंटरवेंशन से, मुझे पता चला, एक दिल्ली के लिए और करा दीजिए सर, यहाँ की हमारी 100 टन ऑक्सीजन उधर से आनी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलके कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलके काम करना है। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपये में और राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे। सर एक ही देश में एक ही सामान के दो रेट कैसे हो सकते हैं? वन नेशन वन रेट होना चाहिए, सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। सर हर एक जान हम सब लोगों के लिए कीमती है, हमें ये एहसास हर भारतीय को इस वक्त कराना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि देश में सबको दवाई, सबको वैक्सीन और सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, और बिना किसी विवाद और बिना किसी रुकावट के ये मिलनी चाहिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.